सो गाइज़, अगर आप लोग जियो, वी आई, एयरटेल, BSNL किसी भी प्रकार के सिम को यूज़ करते हो तो गाइज़ आज मैं सारे सिम के लिए आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइज़ सारे सिम के लिए आज का वीडियो रहने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का वीडियो। तो गाइज़ पूरा वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेना, क्योंकि गाइज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग हर एक सिम पर बिल्कुल फ्री में कैसे अनलिमिटेड डाटा चला सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइज़ मैं आप लोग को पार्ट बाई पार्ट समझा दूंगा। अगर आप लोग किसी भी पार्ट को मिस कर देते हो तो फिर वीडियो आप लोग को बीच से समझ में नहीं आएगा और आप लोग को फ्री डाटा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए गाइस फटाफट से आज का वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग को मेरा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए गाइस सबसे पहले यहां पे मैं लाइव प्रूफ दिखा दे रहा हूं अपना मोबाइल डाटा को ऑन करके कि मेरा यहां पे नेटवर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस मोबाइल डाटा को ऑन करके मैं अपना यूट्यूब को ओपन कर लेता हूं और देखता हूं यहां पे कि मेरा यूट्यूब ओपन हो रहा है कि नहीं। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो मेरा यहां पे यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है, आप लोग के सामने बिल्कुल लाइव है, आप लोग देख सकते हो मेरा YouTube यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। तो चलिए गाइस अभी बैक चलते हैं और गाइस बैक जाके प्ले स्टोर को भी अपना ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पे प्ले स्टोर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस प्ले स्टोर देख लेते हैं यहाँ पे और प्ले स्टोर यहाँ पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि मेरा प्ले स्टोर यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस प्ले स्टोर ओपन करते हैं, गाइस देख सकते हैं मेरा मोबाइल डाटा यहाँ पे ऑन है। तो गाइस एक बार अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे मेरा नेट नहीं चल रहा, जैसे कि देख सकते हो ट्राई अगेन करने पर भी नेट नहीं चल रहा। तो गाइस अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल बैक पे जाना है। बैक पे जाने के बाद आप लोग क्या करना है, अपना मोबाइल डाटा को ऑन करके आप लोगों को फ्लाइट मोड को ऑन कर लेना है। सो गाइस अपना मोबाइल डाटा ऑन करके मैं अभी फ्लाइट मोड ऑन कर दिया हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा फ्लाइट मोड ऑन है, किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्शन नहीं है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल अपने फोन के सेटिंग पे चले जाना है इस करने के बाद। तो गाइस यहाँ से वीडियो मेन शुरू हो जाता है, तो गाइस यहाँ से वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि गाइस ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, सेटिंग में सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फोन का, जैसे कि देख सकते हो। तो आप लोगों को सिंपल अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑल स्पेक्स का, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऑल स्पेक्स का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोग को सिंपल इसमें चले जाना है। सो गाइस यहाँ पे जाने के बाद अभी आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल रहा होगा इंटरनल स्टोरेज का, जैसे कि देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन। तो इसमें आप लोग को सिंपल क्लिक करना है, जैसे कि देख सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस दिखेगा यहाँ पे यू आर वन स्टेप अवे, टू स्टेप हुआ, ऐसे करके दिखेगा। तो आप लोग को सिंपल कर लेना है। इतना करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा फोन इन्फॉर्मेशन वन का। तो गाइस आप लोग को सिंपल फोन इन्फॉर्मेशन वन में जाना है। जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल रेडियो पावर का, तो गाइस इसको सिंपल ऑन कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे मेरा मोबाइल रेडियो पावर ऑन हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद गाइस क्या करना है, आप लोग को बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोग को फोन इन्फॉर्मेशन टू ऑन करना है। फोन इन्फॉर्मेशन टू ऑन करके भी यहाँ पे सेम ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा मोबाइल रेडियो पावर का, इसको ऑन कर लेना है। सो गाइस इसको जैसे आप लोग ऑन कर लोगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरा यहाँ पे KBPS चलना चालू हो चुका है और गाइस मेरा यहाँ पे सिंपल फ्लाइट मोड ऑन है। तो अभी क्या करना, आप अभी चलते फ़ोन से सिंपल बैक पर, देखते हैं यहाँ पे मेरा नेट वर्क कर रहा है कि नहीं। सो गाइज अभी मैं अपना प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन कर लेता और देखते हैं यहाँ पे मेरा नेट वर्क कर रहा है कि नहीं। सो गाइज देख सकते हो मेरा नेट यहाँ पे वर्क करना चालू हो चुका है बिल्कुल एक ही बार में और बिल्कुल स्मूथली रन कर रहा है। आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मेरा नेट अच्छे से वर्क कर रहा है। तो एक बार आप लोग को यूट्यूब भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे यूट्यूब वर्क कर रहा है कि नहीं। सो गाइज जैसे कि देख सकते हो यूट्यूब भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, बिल्कुल लाइव आप लोग के सामने मैं इस सेटिंग को करके डाटा चला के दिखा रहा हूँ। तो बस गाइज यही था आज के वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरा आज का वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। तो फिर मिलते हैं गाइस आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।